सब्सक्राइब कीजिए दी शॉपिंग को और क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे ताकि आप देख सको मोबाइल फ़ोन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू सबसे पहले। हेलो गाइस, दोस्तों आज की वीडियो स्पेशली पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन यूज़र्स के लिए है। पाकिस्तान में सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज़ जिसमें शामिल है सैमसंग गैलेक्सी M10, M20, M30 और M40, एम सीरीज़ के जितने भी फ़ोन्स हैं वो PTA से अप्रूव नहीं हो रहे। उसके ख़ास रीज़न ये है कि ये फ़ोन्स मेड इन इंडिया हैं, सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स जिसकी बैक पे लिखा, और इंडियन सिम कार्ड ओनली आप इस पर देख सकते हैं। ये फ़ोन्स PTA की वेबसाइट पे इनका डाटा बिल्कुल भी शो नहीं होता, इसलिए इनको PTA की वेबसाइट से रजिस्टर्ड करवाना इम्पॉसिबल है। तो ये फ़ोन्स जो लोग यूज़ कर रहे थे, क्योंकि ये एक तो ये इसकी रीज़न ये है कि ये पाकिस्तान में ऑफिशली एम सीरीज़ लॉन्च हुई ही नहीं है, और ये ऑफिशली ना होने की वजह से कोई मसला नहीं था। लेकिन जैसे कि नॉर्मल फ़ोन्स दूसरे भी तो आते हैं, सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज़ के अलावा ए सीरीज़ आती है या एस सीरीज़ या नोट सीरीज़ आती है, तो ये भी रजिस्टर्ड हो जाने चाहिए थे। लेकिन क्या हुआ कि इनका डाटा जस्ट मेड इन इंडिया होने की वजह से नेटवर्क पे शो नहीं होता, वेबसाइट पे शो नहीं होता, इसलिए ये फ़ोन रजिस्टर कराने का कोई भी तरीका सामने नहीं आ रहा। जस्ट ये नॉन वारंटी फ़ोन्स हैं जो कि शॉपकीपर ने सेल कर दिए हुए हैं मार्केट में। अब लोग परेशान फिर रहे हैं क्योंकि उनकी सिम बंद हो चुकी हैं। ये ड्यूल सिम वाले फ़ोन्स हैं सारे। कुछ फ़ोन्स रजिस्टर हो चुके हैं जिन पर सिम वन रजिस्टर हो चुकी है। इनमें मसला क्या आ रहा है कि सिम वन तो रजिस्टर हो जाती है लेकिन सिम टू रजिस्टर नहीं होती, और कुछ ये तो कुछ फ़ोन्स हैं जिनकी सिम रजिस्टर हो रही हैं, बाकी एम सीरीज़ कम्प्लीटली बंद हो चुके हैं, इस पर कोई भी सिम नेटवर्क नहीं चलेगा। तो ये फ़ोन बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। आपसे मेरी ये एक एडवाइस है, आप लोगों को मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि अगर कोई शॉपकीपर आपको एम सीरीज़ का कोई भी फ़ोन सेल करना चाहे, क्योंकि ये होगा तो नॉन मल्टी में, इसलिए आप बिल्कुल इसे परचेज़ मत कीजिए। और अगर आपको ये OLX पे मिले या किसी भी वेबसाइट पे आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन शॉपिंग पे आपको ये मिलें, अगर आप वो कम से कम प्राइस में भी आपको ये मिल रहे होंगे तो मत परचेज़ करें, क्योंकि ये एक तो चलाना भी आपके लिए मुश्किल है और दूसरा है इसके चलाने पर कोई पाबंदी है। तो ये आज की वीडियो मैंने स्पेशली एम सीरीज़ के फ़ोन्स के लिए बनाई है, क्योंकि लोगों के बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि इसकी क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो अभी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई भी इसका तरीकाकार वाजे नहीं किया कि इसको हम अनलॉक करेंगे या नहीं करेंगे, जस्ट अभी तो ये ब्लॉक हो चुके हैं कंप्लीट फ़ोन्स। तो यही आज की वीडियो इस टॉपिक के बारे में थी, स्पेशली कि सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज़ का कोई भी फ़ोन आप परचेज़ मत कीजिए। तो मेरा नाम शहजाद है और आप देख रहे थे शॉपिंग। थैंक यू।